तो वहीं प्रदेश में इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है, लेकिन पिछली बार रिसर्जेंट राजस्थान में निवेशकों से करीब 3,38,500 करोड़ के 470 एमओयू किए गए थे, तो वहीं इस बार 7 जगह से ही सरकार को 5,76,681 करोड़ के 213 एमओयू व 112 एलओआई मिल चुके हैं, जिससे सरकार करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान भी लगा रही है। 20 जगह अभी रोड शो होने और बाकी हैं। इस बार सरकार एमओयू के अलावा एलओआई भी कर रही है ताकि प्रोजेक्ट कागजों से बाहर आ सके। जिन कंपनियों के पास जमीन है सिर्फ उनसे ही एमओयू साइन किए जा रहे हैं, जिन्हें जमीन चाहिए उनसे एलओआई हो रहे हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि पिछली बार जल्दबाजी में एमओयू किए गए थे, हम निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए जिला स्तर पर समिट कर रहे हैं। 60-70% निवेशकों के पास राजस्थान में पहले से जमीन है, समिट में उनके उद्योगों के शिलान्यास किए जाएंगे। तो वहीं वन स्टॉप शॉप हो या फिर रिप्स योजनाएं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इन्वेस्ट राजस्थान तैयारियां इसकी जोरों पर है और जिस तरीके से अब तक रिस्पांस आया है वो भी पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा विविड बताया जा रहा है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए रिसर्जेंट राजस्थान के जो तैयारियां हैं वो अपने पूरे जोर शोर से की जा रही है और इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर के जो जानकारियां अब तक मिल रही है वो काफी ज्यादा सकारात्मक पॉजिटिव है लास्ट साल की तुलना में। क्या फिलहाल जानकारी इस पर अभी तक? देखिए कुछ चीजें यहाँ पर बदलाव जरूर आया है कि रिसर्जेंट राजस्थान में कहा जाता है 3 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू हुए थे, लेकिन धरातल पर ज्यादा एमओयू आए नहीं और निवेश हुआ नहीं उतना जिस तरह की उम्मीदें थी। लेकिन अब सरकार ने इस पर ये थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए इस बार उन्होंने तय किया है कि एमओयू उन्हीं के साथ किया जाए जिनके पास जमीन है, कम से कम उनके पास अगर अपने प्रोजेक्ट के लिए लैंड है तो सरकार उनके साथ समझौता करके उनको दूसरी फैसिलिटी देकर और वहाँ प्लांट शुरू करवाने में मदद करेगी जी। तो ये कोशिश की और जिनकी केवल इच्छा है और अभी ऑन केवल पेपर पर प्लानिंग है तो उनके साथ एलओआई किए गए हैं जी। तो ये दो कैटेगरी इन्होंने एमओयू और एलओआई की डाल दी है, तो इससे सरकार कोशिश कर रही है कि जिस तरह पिछली सरकार में ये फजीहत हुई थी कि एमओयू हुए 3 लाख करोड़ और उसको बड़े जोर शोर से उछाला गया था लेकिन बाद में निवेश नहीं हुआ, ना सरकार को कोई राजस्व का लाभ हुआ, ना ही प्रदेश में रोजगार के अवसरों का सृजन हो पाया। तो इस तरह से अब ये सरकार ने अभी नए सिरे से ये कोशिश की है पिछली जो कमियां थी गलतियां थी उनसे सबक लेते हुए इस बार एमओयू के साथ में और दूसरी भी जो इसमें औपचारिकताएं हैं कि जिसकी वजह से निवेश नहीं आता सरकारी सिस्टम में जो जो व्यवधान है उनको दूर करके ये निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है निवेशकों को उद्योगपतियों को। अब ये पूरी कवायद कितनी कारगर रहती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन्होंने एक और तरीका अपनाया है कि पहले जो राज्य स्तर का जो बड़ा 24 और 25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान होना है उससे पहले हर जिले में इन्होंने इन्वेस्ट जयपुर, इन्वेस्ट उदयपुर, इन्वेस्ट जोधपुर इस तरह से अलग अलग किया है। जयपुर में भी 5 जनवरी को इन्वेस्ट जयपुर होने जा रहा है, तो पहले जिला स्तर पर करके उसको फिर कंसोलिडेट किया जाएगा उसमें 24 और 25 जनवरी, फिर वो बड़े स्तर पर एक पूरा कार्यक्रम होगा और उसका लाभ आगे सरकार की मंशा सकारात्मक है, प्रयास जारी है और ये प्रयास कितने कीमती होते हैं ये आगे वक्त बताएगा। जयती बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।